कि वो फूलों के बगीचे में भाग रहा हो। उसकी दुनिया अचानक से खूबसूरत हो जाती है। जिन की माँ उसे इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन्हें ये बोल देता है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। वक्त के साथ जिम और उसके दोस्त नशे के आदि हो जाते हैं। शुरुआती दिनों में जिम और उसके दोस्त हफ्ते के एक या दो दिन ही हीरोइन लिया करते थे, लेकिन अब वो हर रोज नशे में डूबे रहते हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो हीरोइन खरीद सके, पर उन्हें नशे की इतनी आदत हो जाती है कि वो चोरी करने लगते हैं। एक बार वो एक बुढ़िया से उसका पर्स चुराकर भाग जाते हैं। जिम का एक दोस्त उस बूढ़ी औरत को पीटने भी लगता है। दूसरे दिन जब वो सुबह स्कूल जाते हैं तो उन्हें स्कूल के चर्च जाना पड़ता है। जिम चर्च से मना कर देता है और कहता है कि आज वो चर्च में नहीं जाएगा। फादर के कहने पर वो चुपचाप चर्च जाता है और उसे कॉन्फेशन रूम दिया जाता है। इस कमरे में एक इंसान फादर के सामने अपने दिल की बातें कहने के लिए जाता है, जो फादर और उस इंसान के बीच ही रहती है। यहाँ पर जिम को फादर को सब बताने की ख्वाहिश थी, अपने बुरे कामों के बारे में, अपने नशे के बारे में।